Vande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Vrindavanam Manoharam पांचाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावि तुलसीदेवै पियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य देयं सदा परिभवन्नम अविष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचनुतम शरण्यं भीतात्विहं पुनतपाल भवद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरीजित किमपि गपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा किमां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनका बोधातु संकेतनय कवितरो कमलायताक्षो विशांभरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनीतम् भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशयुष्यवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वागीशजुष्यवदने
लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, गुरुपाद पद्म एक सच्चो माध्यम है, गिरिपाद पद्म एक ट्रांसेंडेंटल मीडिया, गुरुपाद पद्म एक ट्रांसपेरेंट मीडिया जिसके माध्यम अप्राकृत जगत का क्या वस्तु क्या है हम सही ढंग से देख सकता। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी जगत गुरु जी ने बताए, गुरुपाद पद्म हमारा एकमात्र सहारा है, गुरुपाद पद्म एक सच्च माध्यम है, अप्राकृत माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडिया ट्रांसेंडेंटल मीडिया, जिस माध्यम हम अप्राकृत जगत का क्या 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 कौन क्या है क्या चीज़ है सब देख सकता, व्हाट इज व्हाट सब देख सकता। गुरुपाद पद्म हमारा एकमात्र सहारा है, गुरुचरण का सहारा लिए बिना हमारा जीवन जिंदगी सब बेकार है। गुरु केपा ही केवलम, वास्तविक रूप से भगवान श्री कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर गुरु का काम किए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु जी का काम किए हैं, नित्यानंद प्रभु गुरु जी का काम किए हैं, गुरु जी का आदर्श आचार आदर्श दिखाए। भगवान श्री कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो लीला विलास किए हैं और जो उपदेश दिए हैं, साधारण आदमी का लिए ये बड़ा मुसीबत हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो सब उपदेश दिए हैं आचरण भी ऐसे ही किए हैं, फिर भी हमारा लिए गलत समझना स्वाभाविक है। जब भी भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दिए हैं वही आचरण किए हैं, उसमें बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, फिर भी एक विशेष है, भगवान श्री कृष्ण जो आचरण करके दिखाए हैं साधारण आदमी के लिए ये समझना संभव नहीं है। साधारण आदमी के लिए पूरा के पूरा समझना, इस विषय में अंग्रेजी कथा में गोपी गीत चर्चा का पहले ये सब बात को चर्चा करने का इच्छा रखते हुए अभी जो चर्चा हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का रासलीला से लेकर फिर मथुरा में कुब्जा को कृपा करना, तमाम सारे ये सब लीला जो है इट वन काइंड ऑफ मिस्ट्री रहस्यमय है। बद्ध जीव के लिए ये सब डाइजेस्ट करना अनुभव करना संभव नहीं, लेकिन आज ऊर्जावृत है, आज ऊर्जावृत है, ऊर्जावृत मतलब उज्जेश्वरी राधा रानी, ऊर्जा मतलब एकदम विशुद्ध हो, जिसमें इतना विशुद्ध है जिसका कोई स्टैंडर्ड इस जगत में नहीं है, सिर्फ वृंदावन में ही हो सकता है, जिसका आचरण जिसका चरण का कृपा मांगने के लिए सारे जितना सारे देवियां हैं अरुंधति से लेकर सब कुछ सब
जिसका चरण का कृपा मिल लेने के लिए हर वक्त प्रार्थना करते रहती है, ये जो राधा रानी, इसका बारे में ऊर्जा व्रत, मतलब राधा राधा रानी का जो व्रत है, ऊर्जा व्रत, कार्तिक व्रत बोला जाता है। ये कार्तिक व्रत का सक्सेस इसी में है कि राधा रानी का अनुगत्व में, श्रीमती राधा रानी का अनुगत्व में भगवान श्री कृष्ण का संतुष्टि विधान का जो चेष्टा हर हालत में, यही चेष्टा कार्तिक व्रत का विशेष है। ऐसे तो भागवत का बहुत सारे श्लोक व्याख्या किए, पहले ही चर्चा हो चुके हैं, अनया राधित नूनम भगवान हरिश्वरः इत्यादि श्लोक चर्चा की। अनया इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का टॉपमो सबसे बढ़िया सेवा हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का 100 से 100 में 100% संतुष्टि विधान, 100% संतुष्टि विधान कर। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी का जो रसामृत सिंधु में जो श्लोक है, अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, ये जो अनुकूल्येन, यह हमारा गुरुवर्ग ने चर्चा की, हमारा गुरुवर्ग ने सिखाई हमको, जो ये जो अन्नाभिलाषित शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, गौण ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बताए, अन्नाभिलाषिता शून्यम मैंने अन्नाभिलाषिता का कोई बीज रहे उसको भी उखाड़ के फेंकना है, इसलिए अन्नाभिलाषी अन्नाभिलाष शून्यम नहीं, अन्नाभिलाष शून्यम नहीं, अन्नाभिलाषिता एडजेक्टिव इसको भी फेंकना है पूरा, मतलब इसका अंकुरोद्गम हो ना पाए। कामानम हृदय संग्रहो भवतस्तु विनयवरम, प्रहलाद महाराज जी का कहना है, काम का अंकुरोद्गम भी हो नहीं सके ठाकुर जी, ऐसा कृपा करो। ये ऊर्जा व्रत का यही विशेष है। राधा रानी को तो हम जानते नहीं, कैसे जाने, हम तो सहजिया नहीं है, तो राधे राधे हम नहीं बोलते, हम गौर गौर बोलते, जो भी चलो कोई बात नहीं। ये राधा रानी का सेवा के बारे में मैं गुरुवर्गों से सुना है, स्रोतोवाणी गुरुवर्ग जी ने, गुरुवर्ग बताएं, हमारा गौरी गुरुवर्ग बताएं, अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्नाभिलाष को बीज से उखाड़ के फेंकना है, और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, गण कर्मादि का अनकवरिंग, कवर हो जाए तो मुश्किल। इसका मानी ये है, जो ज्ञान भक्ति का अनुकूल है इसको फेंकना नहीं है। अन्नाभिलाषिता शून्यम बताया, ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बताया, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृत अनकवर्ड, ये ज्ञान और कर्मों के द्वारा शुद्ध भक्ति का कवरिंग ना हो जाए, इसका वो दब जाए, वो दब जाए तो मुश्किल है। इसलिए जो ज्ञान भक्ति का अनुकूल है इसको माना नहीं है, और कर्म जो है बाहरी दृष्टि में भक्तों का जो क्रियाकर्म है ये भी कर्म जैसा लगता है, लेकिन भगवान के लिए सेवा कर्म करो तो ये निषेध नहीं है। तो और लास्ट में अन्नाभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल लेनो कृष्णानुशीलनम, दैट इज द मोस्ट वाइटल थिंग। अनुकूल लेनो, अनुकूल लेनो, ये तृतीय विभक्ति अनुकूल्य के द्वारा करना है, धारा दिया कर्तिक है, अनुकूल्य के द्वारा करना है, अपना मनमानी करने से होगा नहीं। अनुकूल लेनो कृष्णानुशीलनम, अनुकूल्य का व्याख्या हमारा गुरुवर्ग किए हैं, राधा रानी अनुकूला है, इन्फिनिटी ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राधा रानी का सब्स्टिट्यूट कर सके, कोई नहीं, एक राधा रानी का विकल्प नहीं, राधा रानी का सेवा ही कृष्ण का एकदम 100% अप्रूव्ड है। तो इसलिए ऊंचा व्रत का मतलब है श्रीमती राधा रानी दयामयी राधा रानी का अनुगत्य में हमको पूरा व्रत मास नियम सेवा मास, ऐसे तो शुद्ध भक्तों का जो है सालों में 12 महीना जो है ये सारी नियम सेवा मास है, आपको यकीन नहीं मानेंगे, आप विश्वास नहीं होगा आपको, शुद्ध गुरु वैष्णव के लिए जो है वो तमाम ये जो 12 महीना है
ये कार्तिक महीना आया है कि ये पुरुषोत्तम महीना आया है हमको पालन करना, हाय हाय क्या करे, सुबह में उठना भरे, कैसे खाए कैसे सोए, ऐसा नहीं। शुद्ध भक्त के लिए 12 महीना जो है वो तो उसका नियम सेवा ही है, शुद्ध भक्ति का सेवा, प्रेम के सेवा। तो हमारा लिए नियम सेवा है, नियम बना के करना है, रात 3 बजे से लेकर पूरा नियम बना के कैसे कैसे क्या करना है, सेवा गुरु वैष्णव का अनुगत्य में करना है। राधा रानी क्या चीज है, राधा रानी कौन है हमको पता नहीं, लेकिन गुरुवर्गो का अनुगत्य में सुना ये सबसे बढ़िया जो टॉपमोस्ट सेवा है ये आराधितो, ये जो है ना अनया आराधितो नूनम भगवान हरीश्वरा, ये तो राधा रानी का अनुगत्य में करना है। और राधा रानी कौन है हमको पता नहीं, हम देखा नहीं, इसीलिए गुरुवर्गो का अनुगत्य में, गौड़ीय गुरुवर्गो का अनुगत्य में हमको व्रत पालन करना है। और एक विशेष बात है, प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया था, क्या प्रभुपाद गुरु जी को राधा रानी समझा जाए, क्या कोई गलती है? प्रभुपाद बोले कहीं क्यों, प्रभुपाद बोला थोड़ा ऊंचा होके देखने से। प्रभुपाद जी का उत्तर ठीक ऐसा ही उत्तर, जो वर्ड है वर्ड टू वर्ड हम बोल रहे हैं। पापा जी ने उत्तर दिया जे थोड़ा ऊंचा होके देखने से गुरुजी राधा रानी है ये, लेकिन जो शक्कर रस का वात्सल्य रस का इसका लिए तो उल्टा पड़ेगा, समझेगा नहीं। लेकिन पोपात का उत्तर सही है, पोपात का उत्तर है जे राधा रानी का अनुगत्य में, हम तो राधा रानी जानते नहीं, कौन राधा रानी देखे नहीं। तो गुरुवर्गो का, हमारा गौड़ीय गुरुवर्गो जो आद्यरस का अनुगत्य में है, तो ये जो है ये गुरु जी का अंदर में ही राधा रानी को दर्शन करना है, तब शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ही करना है, गौड़ीय गुरु वैष्णव का अनुगत्य में। प्रभुपाद जी कहते थे जे शिल सच्चिदान, प्रभुपाद जी का दर्शन है, प्रभुपाद जी कहते थे शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का चरण दर्शन करने हम जब जाते, सभी जब ही देखते, प्रभुपाद का कहना है जब भी हम श्रील सच्चिदानंद भक्तिमोहन ठाकुर चरण दर्शन करने जाते हर वक्त, उसी टाइम में मेरे को राधा रानी का चरण का झांकी दर्शन होते हैं। मतलब भक्तिमोहन ठाकुर, प्रभुपाद का कहना है श्रील सच्चिदानंद भक्तिमोहन ठाकुर का अंदर मैंने टोटल राधा रानी का जो है राधा रानी का चरण दर्शन किए, ये दर्शन है पक्का दर्शन। जो श्लोक जो प्रभुपाद का उपदेश देके शुरू किया था, जो गुरुपाद पद्म एक साक्ष्य माध्यम है जिसके माध्यम हम अपराकृत जगत का दर्शन करने जाए तो बच जाएंगे, अपना मनमानी दर्शन करने जाए तो मरण निश्चित है, कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि संशय संदेह अब अंदर में संशय संदेह पैदा होगा, अपराकी जगत का दर्शन समझेंगे नहीं और पतन इनेविटेबल, पतन हो जाए। इसलिए अपराकी जगत का दर्शन के लिए प्रभुपाद जी ने बताया जब हरिनाम करो कुछ करो, पहले ही गुरु जी का अनुगत्य में गुरु जी का चिंतन करते 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 गुरुजी का माध्यम, गुरुजी का अंदर में गुरुजी का माध्यम पूरा नित्यानंद का दर्शन हो जाएगा, नित्यानंद चरण का दर्शन अगर हो जाए तो गौर चरण का दर्शन हो जाए, गौर चरण का दर्शन अगर पक्का हो जाए तो राधा रानी का चरण का दर्शन होना कोई बड़ा बात नहीं है। यथा यथा गौर पदार विंद विंदे तभक्ति में कितपुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बु राशि। राधा रानी का दर्शन बोलने बहुत आसान है लेकिन अनुभव करना बड़ा कठिन। इसलिए ये दामोदर व्रतों का जो महीना है, कार्तिक व्रत का महीना, इसमें विशेष ये है कि एकदम शुद्ध नियम पालन करके, नियम आहार निद्रा भय जो कुछ भी है सारे रेगुलेट करके हमारा अंदर का जो कॉन्शियसनेस चेतना को, चेतना को विकास करना है, हमारा चेतना को विकास में उतारना है, विकास करना है, नहीं तो ये कार्तिक व्रत पालन करना बेकार हो जाएगा। कोई बात सिर्फ खाने का रेस्ट्रिक्शन
कुछ नहीं है, उपवास किया, ये किया वो किया, ऐसा नहीं। तो ये जो है विशेष बात ये है, ये जो श्लोक देके शुरुआत किए थे भागवत जी महापुराण का पहला स्कंद का जो है ना, दूसरा स्कंद का है, अथो पृच्छा में संसिद्धिं योगिनां परम गुरुम पुरुष सेह यत्कार्यं मियमानस सर्वथा। श्री परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी के सामने ये प्रश्न रख दिए, अथो पृच्छा में संसिद्धि, हमारा सम्यक सिद्धि हो जाए, सिद्धि नहीं सम्यक सिद्धि कैसे हो जाए। अथो पृच्छा में संसिद्धि, सम्यक रूप में सिद्धि होना मतलब भक्ति योग छोड़कर, भक्ति योग छोड़कर किसी का बारे में, किसी भक्ति योग छोड़कर ये एप्लीकेबल नहीं है। भक्ति योग छोड़कर संसिद्धि ये एप्लीकेबल नहीं है। एकमात्र भक्ति संसिद्धि माने सम्यक सिद्धि। इसलिए परीक्षित महाराज का ये प्रश्न है, अथो संसिद्धि 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 योगिनां परम गुरुम, ये गुरु योगियों में आप, योगी मतलब ये ओपन टर्म है, सब कोई के बारे में योगी शब्द यूज होता है, ध्यान योग, ज्ञान योग, राजगुह योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग आदि सब कुछ है, अष्टांग योग आदि सब कुछ है, इस बारे में ओपन टर्म है योग, ये दूसरा किसी का बार कि दूसरा जगह यूज करना संभव नहीं है। इसीलिए जे वहाँ जितना सारे योगी हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी आदि जितना सारे है, ये सब कोई के बारे में ये योगी योगी नाम योगियों में परम गुरु आप है सुखदेव गोस्वामी के बारे में आप ये बताओ, क्योंकि भक्ति योगी है और नारद जी महाराज भी भक्ति योगी है, सब है, लेकिन योगी नाम परम गुरु बताए तो कैसे हमारा संसिद्धि, अथो पृच्छा में संसिद्धि, संसिद्धि के लिए कैसे हो सकता है ये बताओ आप। तो इसका बारे में उत्तर देने गया तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जे देखो ये जो नाम संकीर्तन हरिकथा कीर्तन, हरिकथा कीर्तन जो है, ये हरि कथा कीर्तन कंटिन्यूअस करने से गुरु वैष्णव का अनुगत्व में सब कुछ हो, सब समाधान हो सकता है। उपदेश गुरु से लेना है, जो लघु है लघु से उपदेश लेना उचित नहीं है। लघु से उपदेश देने का मतलब है पतन और कुछ नहीं। गुरु से उपदेश लेना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और यहाँ जो विशेष है जे ये ऊर्जावध कार्तिक व्रत है, इसको दामोदर व्रत भी बोला जाता है। दामोदर व्रत का माने हैं जो दाम बंधन किए, जशमती मैया ने बंधन की, दाम बंधन की, इसीलिए दाम उदरे जशो इति दामोदर है, जिसका उदर में अर्थात उदर में जिसका दाम है, जिसको बंधन किए जशमती मैया, इसलिए दामोदर नाम पड़ गया। और गोपाल तो ओपन टर्म है, गोपाल जो है ये तो ओपन टर्म है। गोपाल मतलब गोपालन कर, गोपालन करने गया तो इसका नाम गोपाल पड़ गया। गोपालन करने गया गोपाल, गोपालन करने के लिए गया, इसलिए गोपाल नाम इटर्नल नेम है। और कई कई आचार्य कोई कोई आदमी ऐसा भी बोलते हैं कि गोपाल दामोदर ये सब जो है ये बात्सल्य सूचक नाम है। तो हम बोला बात्सल्य तो ऐसे सब कोई, जसोमती मैया का तो बात्सल्य है ही है हर वक्त, लेकिन इसका माने ये नहीं जो गोपाल या दामोदर बोलने से एकदम हर वक्त हमारा छोटा बच्चा समझेगा, ऐसा नहीं। ऐसा अगर होता तो दामोदर व्रतों का, दामोदर जे जमोदर दामोदर अष्टकम जो है, नमो राधिका वही तदीय पिया वही, ये सब लिखा हुआ है, ये गुप्त रहस्य। तो ये जो वात्सल्य सूचक जो अगर है, टोटली वात्सल्य सूचक ही है, हो सके किसी का वात्सल्य जागृत हुआ,
लेकिन ये वात्सल्य सूचक इंडिकेशन नहीं है। नमो राधिका हुई त्वदीय प्रिया हुई, जसोमती मैया के सामने ये अपरागी जगत का जो मधुर रस ये कोई मिलावटी हो जाए तो महाप्रभु का गुस्सा आ जाएगा। महाप्रभु कहते हैं, ये महाप्रभु का बारे में लिखा हुआ है चैतन्य चौथामित में, रसाभास सिद्धांत विरोध सुनीते प्रभु राय क्रोध। रसाभास सिद्धांत विरोध, कोई रसाभास बोल दिया, रसाभास मतलब एक रस का साथ वात्सल्य रस का साथ मधुर रस का इंटरकनेक्शन इंटरसेक्ट किया, मैंने मधुर रस का काट किया, मधुर रस को काट किया वात्सल्य रस, या तो वात्सल्य रस को काट किया साक्ष रस, ये सभी इंटरसेक्ट किया, ते निषेध है। महाप्रभु का जो विचार है इसका बारे में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी ने बताए, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जी ने बताए इस बारे में, जो रसाभास सिद्धांत विरोध सुनीते प्रभु राय क्रोध, रसाभास और सिद्धांत विरोध सुनने से प्रभु का गुस्सा आ जाता है। इसलिए पहले से नियम बना के रखा है प्रभु, कोई अगर लेखनी लाए, कोई लेखनी है, कुछ वक्तृता है, कुछ भी लाए, पहले महाप्रभु ये नियम बना के रखा है, ये पहले स्वरूप गोसाई सुने, स्वरूप गोसाई अगर अच्छा समझे उचित समझे तो आगे चलकर उसको महाप्रभु को सुनाना है, नहीं तो उधर से ही और वो कैंसिल हो जाए, ये नियम है। तो ये रसाभास सिद्धांत विरे सुनी थे प्रभु राय घोष, प्रभु राय रोष, प्रभु गुस्सा आता है, महाप्रभु सुनते नहीं। आज हमारा इधर का जो विशेष है, ये जो चर्चा है, ये भगवान जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, ये बड़ा गहरा विचार है। ये विचार करने जाए तो बहुत गंभीर विचार है। ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समझे तो यूं समझो कि सब समाधान हो गया, लेकिन पहले शुरुआत में बता दिया भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है और भगवान श्री कृष्ण का आचरण है, जब भी एक ही है, भगवान श्री कृष्ण को उपदेश और आचरण में कोई विभेद नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। वो समझेगा भगवान श्री कृष्ण ऐसा वैराग्य को उपदेश दिया, ऐसा कुछ किया, लेकिन खुद तो नहीं पालन किया, लेकिन विचार करके दिखाए तो 100% भगवान जो उपदेश दिए हैं और आचरण किए उसमें भेद नहीं है। फिर भी साधारण आदमी के लिए अमंगल हो सकता है, क्योंकि वो समझेगा नहीं, ये समझेगा नहीं, एक ऐसा उपदेश दिया है, आचरण किया, रास डांस रास लीला आदि किए, ऐसा समझेगा उल्टा। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आचरण आदर्श है, वो कृष्ण का ही है। ये गलत समझे का समझने का गलत समझने का हर हालत में चांस है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अंतोध्यान होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके खुद आए हैं, आके ये गोपी प्रेम क्या है, क्या उपदेश है, वैराग्य क्या है, सब कुछ ये सब सिखाने के लिए आए हैं। और इसमें हमारा गलत समझने का कोई चांस नहीं है, फिर भी करते हैं, ये तो आम आदमी बद्धजीवी को लिए तो हर हालत में विपद है ही है। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आचार आदर्श आचरण है, उपदेश है, ये महाप्रभु खुद आचरण करके दिखाए हैं, फिर भी ये आचरण का अंदर भी ये जो इतना परफेक्ट आचरण है, इसमें भी हजारों दोष निकाल कर रख दिया। कौन? रामचंद्रपुरी, अमोघ, जो सर्वम भट्टाचार्य का जमात है अमोघ, और फिर रामचंद्रपुरी, ये लोग तो महाप्रभु का आचरण में भी हजारों दोष निकाल के रख दिया। तो इसका लिए कहना ही क्या है, चैतन्य महाप्रभु का जो आचार आदर्श है वो एकदम 100% साइंटिफिक, और कृष्ण भगवान का जो लीला है, जो उपदेश है, इसका अप्लाइड फॉर्म में दिखा जाए। मेरा कहने का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण यद्यपि अप्लाइड फॉर्म में दिखाए हैं, फिर भी बद्धजीवों के लिए इस एक डाउट आ सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार में, श्री चैतन्य अवतार में, श्री चैतन्य महाप्रभु जब आचार आदर्श दिखाए, सब कुछ दिखाए, तो इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण का जो आचरण आदर्श है, जो कुछ भी किए,
उसका अप्लाइड फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु का जो लीला में आचार आदर्श में दिखा गया, इससे इसमें गलत समझने का चांस कम है। हम चैतन्य महाप्रभु का आदर्श लेकर ये भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम उपदेश है इसका बारे में चर्चा करने बैठेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश मतलब ये भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश इसका माने हैं जब भगवान श्री कृष्ण का जो 125 साल तक भगवान श्री कृष्ण 125 साल भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक प्रकट विहार किए। भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक प्रकट विहार किए, उसका बाद अंतोध्यान किए। और ये अंतोध्यान करने का पहले भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी का सामने अपना गंभीर उपदेश को छोड़ के गया ताकि उद्धव जी एक परफेक्ट आचार्यों का काम कर सके। भगवान श्री कृष्ण अपना लीला अंतोध्यान करने का पहले उद्धव जी का सामने अपरागी जगत का जितना सारे अपना सिद्धांत अनमोल सिद्धांत विचार जो है ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी का हृदय में रखे गया ताकि एक आचार्य इफेक्टिव आचार्य एक आदर्श आचार्य बन के उद्धव जी महाराज जगत में भगवान श्री कृष्ण का जो प्रतिनिधि है ये बन के इफेक्टिवली भगवान श्री कृष्ण का जो शिक्षा है इसको आचार और प्रचार कर सके। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के छोड़ के गया। शायद आपको याद है भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लीला में जब इच्छा करके भगवान सराट वस्तु है, इच्छा करके भगवान क्या किए, ऋषि मुनियों के द्वारा द्वारका में ऋषि मुनियों ने पहुँचे और इच्छा करके भगवान पर्पसली एक सांप का व्यवस्था किए। सांप माने अभिशाप, इच्छा करके विप्रशाप। ये जो मुनि ऋषि का माध्यम भगवान इच्छा करके मुनि ऋषि का माध्यम ये जदुवंश ध्वंस करने का एक बहाना बनाए। कैसे बनाए आपको याद है शायद जदुवंशी जो शाम्बो आदि सब लेकर ये सब खेला कर रहे हैं बच्चा लोग, खेला करते करते ये उद्यान में पहुँचे, इधर उधर भटकते हुए उद्यान में पहुँचे। उद्यान में जितना सारे मुनि ऋषि हैं वो तो अपना स्नान फान करके अपना भजन साधन में लगे हुए हैं। इस समय जोग माया का द्वारा अरेंजमेंट है भगवान श्री कृष्ण का इच्छा का अनुसार इच्छानुरूपम अपि चेष्टते स्व, ये जो इच्छानुरूपम चेष्टते स्व या ये जो इच्छा का अनुसार इच्छा का अनुसार जोगमाया भगवान के इच्छा का अनुसार जोगमाया ने अरेंजमेंट की। तो ऋषि मुनियों के सामने शाम्बो को लड़की बनाकर अर्थात पेट में इतना सारे कपड़ा आदि बांधकर इच्छा करके मुनि ऋषि के सामने आकर मजाक की। ऐसे तो कभी नहीं करते जैसे परीक्षित महाराज, देखो एक विचार बना के देखो विज्ञान भित्तिक विचार। परीक्षित महाराज ने कह रहा है कि जिंदगी में कभी भी सपने में भी ऐसा गलती नहीं किया, तो आज क्यों की। परीक्षित महाराज ने कह रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, जो गलती आज मेरे से हो गया ऐसा गलती जिंदगी में कभी हम किया ही नहीं, सपने में भी किया नहीं। तो मतलब ये है कौन करवाया, आपने आगे सपने में सोचा भी नहीं तो गलती कैसे हो गया। गलती मतलब परीक्षित महाराज जी ने पानी मांगा, श्रमिक ऋषि का लड़का है श्रृंग ऋषि, तो पानी मिला नहीं। श्रृंग ऋषि तो बच्चा है, दूसरा जगह खेल कूद कर रहा है। और श्रमिक मुनि का आश्रम में आए, पूरा दिन भटकते जंगल में भटकते हुए पूरा के पूरा दिन जंगल में भटकते हुए
प्यासा में मरे जा रहे इच्छा करके एनो अपना जो मृगया हंटिंग मृगया छोड़कर पानी का तलाश में हमारा ये जो श्रमिक ऋषि का आश्रम में पहुंचे श्रमिक ऋषि का आश्रम में आ पहुंचे, लेकिन देखे श्रमिक ऋषि ध्यान जमा के बैठा हुआ है। बहुत जोर जोर चिल्लाया, ऋषि जी ऋषिवर थोड़ा पानी का व्यवस्था करे, ऐसा वैसा बहुत सारे चिल्लाए, लेकिन उत्तर नहीं मिले। उत्तर नहीं मिला, जब उत्तर नहीं मिले तो सोचे कि ये ढंग रचा रहा है, सोचे कि ये ढंग रचा रहा है, इच्छा करके क्या कि सामने एक मरा हुआ सांप सामने एक मरा हुआ सांप था, उसको धनुष का अग्रभाग से उठाकर गले में लटका दिया, लटका के और वो बड़बड़ाते हुए चले गए। और जब पहुंचे अपना राजधानी, पहुंचने का बाद ही अफसोस होने लगे, अफसोस ऐसे अफसोस होने लगे कि महाराज आज हम कैसे ऐसे कर दिए, जिंदगी में कभी ऐसा सोचा ही नहीं, कोई ऋषि मुनि को आदर किए सम्मान किए कितना किए, अब हमसे गलती हो गई। इतने में श्रृंगी ऋषि का सांप का बारे में पता चल गया, किसी ने आके ये श्रृंगी ऋषि का सांप का बारे में परीक्षित महाराज को सुनाया, इन्फॉर्मेशन दिया गया। ये जो श्रृंगी ऋषि का सांप का बारे में श्रृंगी ऋषि जब आए, किसी ने खबर दिया, तुम्हारा पिताजी का गले में मरा हुआ सांप को लटका के राजा अपना राजधानी में वापस चला गया, तो ये अपमान सोचकर ये बच्चा रोने लगे, चिल्ला कर इतना जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बालानम रुदनम बलम, बच्चा तो रोएगा, ये इसका बल है, बच्चा का बल क्या है, चोरोणम अनृतम बलम, चोर जो है बदमाश लक्कर है, जो धोखेबाज है मक्कार है, उसका ये उसका क्या संपद है, उसका ये झूठा का सहारा लेना, इसका झूठा का सहारा लेना, जितना सारे झूठापन सब ये झूठा का सहारा लेना, इसका बल है, यही इसका बल है। अब बालानम रुदनम बलम, अब इतने में श्रमिक मुनि का ध्यान टूट गया, टूटने का बाद देखा बच्चा रो रहा है, जुल चिल्ला चिल्ला कर हाथ पैर फेंक कर, बोले क्या हुआ बच्चा तुम रो क्यों रहे, बोले महाराज देखो पिताजी ये जो राजन है आपका गले में मुर्दा सर्प को लटका के चला गया, मैं उसको सांप दे दिया। क्यों सांप दिया, बोले आपको अपमान करके दिया। श्रमिक ऋषि समझ गया ये तो कोई साधारण चीज नहीं है परीक्षित महाराज, बोले बेटा तुम इसको सांप दिया उचित नहीं है, ये ठीक नहीं किया, लेकिन सांप तो दे ही दिया, अब वापस नहीं आ सकता, सांप दिया सात दिनों का अंदर इसको मौत का घाट में जाना है, ऐसा करके सांप दे दी। और जब सांप दे दिया तो ये बच्चा लोग सब तो सुन लिया सब, बाद में श्रमिक ऋषि को जब पता चला, आसमान का ऊपर में देखकर हाथ जोड़ किया, ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना किया, ठाकुर जी ये नादान बच्चा है, बिना सोच समझ के जो गलती कर दिया इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ श्रमिक ऋषि, और समझाया बच्चा को जो राजा धार्मिक है, जो राजा इतना भक्त है इतना धार्मिक है, किस वजह से ऐसा किस साप तुमने दे दिया, अगर थोड़ा बहुत गलती भी हो गया होगा राजा से तो इतना बड़ा सांप देना उचित नहीं है, वो जीवन संशय कर दिया, ये उचित नहीं है बेटा, तुमने ठीक नहीं की। अब ब्राह्मणों का वैष्णवों का क्षमा धर्म है, वैष्णव और ब्राह्मणों का तो समाज है, तुम भजन करते हो तुम्हारा क्षमा धर्म होनी, जो भी है हो गया तो हो गया।
पता चला कि जोग माया जी का ये अरेंजमेंट है, जिसीलिए जिसीलिए सिरिंग ऋषि ने गुस्से में आकर सांप दे दिया, और जिसके कारण परीक्षित महाराज भी गलती में आकर थोड़ा गलती कर दी। ये सब जोग माया का अरेंजमेंट है। ये अगर नहीं होता तो भागवत का जो फर्स्ट सेशन, भागवत का जो प्रथम अधिवेशन, ये कैसे होता? भागवत का फर्स्ट अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन होने का ये रास्ता खोल गया। और परीक्षित महाराज ने अफसोस की, परीक्षित महाराज ने बताए कि ऐसे तो गलती मेरे से कभी नहीं हुई, कैसा हो गया ऐसे? परीक्षित महाराज ने बताए, जो भी हुआ ये सही हुआ। ये मैं जैसा आदमी हूँ, मेरे लिए ये जो सांप है ये बरदान होकर आएगा मेरा जिंदगी में। ये तो है अभिशाप, लेकिन मेरा जीवन जिंदगी में ये जो सांप है अभिशाप है, मेरा जिंदगी में ये आशीर्वाद बन के आएगा, जरूर आशीर्वाद बन के आए। वो 7 दिन के अंदर क्या करना है नहीं करना है तुरंत सब फेंक फाक कर वैराग्य आश्रय कर भगवान का नाम आश्रय कर बैठ गया शुक्ताल क्षेत्रों में। इसी समय एक क्वेश्चन, ये जो अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुम, ऐसा रास्ता बताएं जैसे चरम मंगल का रास्ता खोल जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो परीक्षित महाराज का बारे में शिला परीक्षित महाराज का बारे में श्रीमद भागवत जी महापुराण ने कई जगह 4-5 जगह लिखा हुआ है, एशो महाभागवत 3-4 जगह लिखा हुआ है, एशो महाभागवत। एशो मतलब परीक्षित महाराज के बारे में बताया गया, अपना जन्म कुंडली देखकर मनु ऋषियों ने बता दिया एशो महाभागवत। बाद में भी बहुत सारे जगह लिखा हुआ है एशो महाभागवत, ये महाभागवत है। अब मेरा कहने का मतलब है, महाभागवत का सिंटम क्या है? महाभागवत जो है इसका सिंटम आप जानते हो, महाभागवत का सिंटम क्या है? ये सिंटम जो है इसका द्वारा महाभागवत कौन है, कनिष्ठ अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है, इसका पता चलता। हेलो, इसका पता चलता ना? तो ये जो उत्तम अधिकारी है इसका बारे में कई सारे विचार है, कल हम चर्चा करेंगे। और ये उत्तम अधिकारी वैष्णव का लिए गलती करना संभव नहीं, ये संभव नहीं। कदाचित भगवान का जोग माया का अरेंजमेंट है, ये भी इसका लिए सांप नहीं है, ये इसका लिए आशीर्वाद है। तो परीक्षित महाराज का जिंदगी में ये जो सांप है अभिशाप है ये आशीर्वाद बन के आए हैं। और ये जदुकुल बच्चा लोग जो है, ये जदुकुल बच्चा लोगों का लिए ये तो मुसीबत हो गए। जदुकुल बच्चा लोग आके मजाक किए ऋषि मुनियों का सामने, ये जोगमाया का अरेंजमेंट है। ये ऋषि मुनियों के सामने ऐसा मजाक की कि ऋषिवर ऐसा है, ये लड़की जो है ये संतान प्रसव करने वाली, इसका लड़का होगा कि लड़की हो? क्या है? ऋषि मुनियों ने दिव्य दर्शन के द्वारा, ऋषि मुनियों ने दिव्य दर्शन के द्वारा देख लिया ये मजाक कर रहे। ऋषि मुनियों ने अपना देख लिया ये कुछ नहीं है, मजाक कर रहे, मजाक में आकर ये सब कर रहा है। इसलिए गुस्से में आकर क्या की? गुस्से में आकर अभिशाप दे दिया, गुस्से में आकर अभिशाप दे दिए। आज जब अभिशाप दिए हैं, ऐसा अभिशाप है, ये भी ठाकुर जी का इच्छा है। अभिशाप भी मुनि ऋषियों का मनमानी अभिशाप नहीं है, ऋषि मुनियों का जो अभिशाप है ये भी भगवत इच्छा के द्वारा ये अभिशाप है। एक ऐसा अभिशाप, भले ये लड़का या लड़की क्या प्रसव करेगी, भले ये कुलोनाशक मुशल
ये तुम्हारा कुलोनाशक मुशल प्रसव करेगी, मतलब ये अपना पूरा खानदान को, ये अपना पूरा खानदान को नाश करने वाले एक मुशल है, लोहे का मुशल ये पैदा होगा। अब तो वो लोग घबरा गया, क्या बात है, बोले ये कुलोनाशक मुशल, वो समझ गया ऋषि मुनियों ने ये मजा कर रहा है, ये मजा चखाएंगे, अब मजा चखाएंगे इसको, बोल के सांप दे दिए, ये ना तो लड़का ना तो लड़की, ये कुलोनाशक मुशल को प्रसव करे करने वाली, ठीक है चलो। अब कुलोनाशक मुशल प्रसव करे, ऐसा सुनकर घबरा गया बच्चा लोगों का जो झुंडू है, बच्चों ने पूरा सुधर्म सभा में पहुंचे जहाँ कृष्ण बलराम मौजूद है, उग्रसेन, जहाँ कृष्ण बलराम मौजूद है, उग्रसेन महाराज मौजूद है, वहाँ जाके बिना छुपाए अपना सारे अपना जो उदमबाजी, अपना सारे हरकतें उसका बारे में बता दिया, जो हम लोग ऐसा मजा की खेलकूद खेल 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 में खेल खेल में ऐसा मजा की, और ऋषि मुनियों ने सांप दे दी, 7 दिन का अंदर तुम्हारा, 3 दिन का अंदर तुम्हारा ये कुलोनाशक मुशल प्रसव करे, कुलोनाशक मुशल, कुलोनाशक मुशल प्रसव करे ना, 3 दिन का अंदर तो पूरा ध्वंस होना है, जितना जदुकुल है और दारिका धाम है सब पानी के अंदर जाए, लेकिन ये बोलने का साथ साथ, ये जो सांप दिए बोलने का साथ साथ, देखो जो नाम महिमा का बारे में जब हम बताते हैं, जब नाम महिमा का बारे में हम बताते हैं कि नाम नामी अभिन्न है, जो नाम है वो नमी है, हमने कई बार ऐसा व्याख्या किए, शिला माधविंदपुरी पाद अगर जो कहते हा वृंदावन, ऐसा करके वृंदावन कहने का साथ साथ वृंदावन मौजूद है, आई बात समझ में, हा वृंदावन, ऐसा अगर माधविंदपुरी पाद कहे तो ये बोलने का साथ साथ माधविंदपुरी पाद का सामने वृंदावन मौजूद है, इसका मजाक इसका क्या है, इसका रहस्य जो है आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है ये मेटेरियल जगत में जड़ जगत में शब्दों और शब्दी, मतलब कोई वस्तु जैसे पानी और पानी शब्दों, दो अलग वस्तु है, ये जड़ जगत में कोई भी वस्तु और उसका नाम, जैसे पानी, पानी नामक वस्तु और पानी बोल के मैं पुकार रहा हूँ, ये दोनों अलग अस्तित्व है, सेपरेट एग्जिस्टेंस, पानी पानी चिल्लाने से पानी उपस्थित नहीं होते, आई बात समझ में, पानी पानी चिल्लाने से कभी पानी नहीं आ सकता, क्योंकि पानी नाम दिया लेकिन असली पानी दूसरा चीज है, ऐसा ही हरि नाम एक चीज है और हम जो हरे कृष्ण कहते हैं ये मेटेरियल शब्द है, ये होता नहीं, जब अप्राकृत तो शब्द ब्रह्म जवान से निकाले तो भगवान और भगवान का नाम, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। मेरा कहने का मतलब है मणि ऋषियों का जो सांप है, मणि ऋषियों ने किसी दूसरा जगह से एक मुशल, लोहे का मुशल लाकर ऑपरेशन करके सांबो का पेट में डाल दिया, ऐसा नहीं है। मेरा बात समझने का कोशिश कीजिए, मेरा कहने का मतलब है मणि ऋषियों ने सांप दी, लेकिन सांप देने का साथ कोई बाजार से कोई मुसल उठाकर लेकर सांबो का पेट का ऑपरेशन करके उसका अंदर में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मणि ऋषियों का वाक्य जो है इतना सच्चा है, इतना सच्चा है कि वाक्यों का साथ वो वस्तु भी उपस्थित हो जाते। मेरा बात समझ में आए, मणि ऋषियों का जो सांप है, ये सांप का साथ साथ क्या होता है, वो जो मुशल है ये खुद ब खुद उपस्थित हो गए। मेरा कहने का मतलब है अप्राकृत जगत का गुरु वैष्णव ऋषि मुनि जो कहते हैं वो 100% परफेक्ट होता है, मतलब जो बोलते हैं उसी वस्तु और भाव को उपस्थित कर देते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो वो लोगों ने बच्चों ने आविष्कार किया कि सचमुच
शंभु का पेट का अंदर में, शंभु का पेट का अंदर में एक मुसल दिखाई पड़ा और शंभु ने मुसल को प्रसव की और सुधर्म सभा में जब बोल दिया, भगवान भगवान का एक मुस्कान, भगवान का एक मुस्कान, भगवान का ये एक मुस्कान है, ये मुस्कान से पता चलता है इसका अंदर में कुछ रहस्य है। भगवान ने मुस्कुराए, भगवान ने कुछ नहीं बोले, बाकी सब चर्चा शुरू हो गया। ऐसा सांप दिया, उसके बाद जो मुसल की, मुसल को क्या किया, जदुवंशी का जो आदमी है बीड़ सब ने सोचा ये मुसल को ऐसा करे, एक पत्थर के साथ घिस घिस के घिस 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 के घिस के घिस के इसको पानी कर दो और समंदर में फेंक दो, देखो क्या बात है। ये मुसल को धीरे धीरे घिसते रहो, ये पत्थर का साथ घिसते 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 इसको बाद में पानी पानी बनाकर फेंक दो समंदर में। ऐसा ऐसा करने गया, भाग होनहार का खेल है, मजा है। जब ये मुसल को घिसना शुरू कर दिया, ये लोहे का चूर 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 लोहे पाउडर होके निकलने लगे और पानी का साथ समुन्द्र में बहा दिया और ये लोग का तसल्ली नहीं हुई, ये लोग तसल्ली नहीं हुई, ये लोग क्या किए, जब अंतिम में छोटा सा एक टो सर्प, एक सर्प तीखा तीखा एक टुकड़ा रह गया, ओ बोले दो ये कुछ क्या होगा, ये छोटा सा तीखा एक ये कुछ नहीं, उसको फेंक दो और हमारा और उसमें एनर्जी नहीं दी, और इसमें एनर्जी नहीं दी कि उसको घिस के फेलो, इसको घिस घिस कर फेंको, ये एनर्जी नहीं दी, बोले इसको फेंक दो और कुछ नहीं होने वाला। और हुआ तो हुआ, बमाल हो गया, कैसा बोले ये जो चूर चूर है लोहे का पाउडर है ये पानी का साथ समुंदर में फेंक दिया, समुंदर में फेंका तो धीरे धीरे वो एक एक यू नो वो एक जगह पर पहुंचे और इस जगह एरका, एक जगह जाकर एरका नाम का एक पेड़ पैदा हुआ छोटा सा। ये कैसा है, जैसे कैक्टस है ना, कैक्टस जानते हो, जैसे मरुद्दान, जैसे मरुद्दान में, जैसे मरुद्दान में कैक्टस होते हैं ना, कैक्टस जैसा है वो, इतना तीखा है उसका पत्ता का जो एज है, इतना तीखा है वो, हो गया और पेड़ पैदा हुआ, हजारों 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 पेड़ पैदा हो गया और जाके एरका वृक्ष जाके पेड़ पैदा हुआ। अब देखो आज जो टुकड़ा जो है तीखा तीखा एक जो सर्प एज है ना, इसको जो फेंक दिया पानी में, एक किसी मगरमच्छ, किसी बड़ा मगरमच्छ ने इसको निगल लिया खाना समझ के, और निगलने का बाद किसी मछुआरे ने, निगलने का बाद किसी मछुआरे ने इसको पकड़ लिया अपना नेट पे, जालों पे, और ऐसा हुआ कि मछुआरे ने उसको लाया, लाके उसका पेट को फारा है बिक्री करके करने के लिए, और फारने का साथ साथ क्या हुआ, फारने का साथ साथ देखा गया एक शार्प एज है, और मछुआरे ने सोचा ये मेरा क्या काम का है। एक वैद उपस्थित था, हंटर, हंटर बोले ये तो फेंकना है, तो ऐसा करे कि मेरे को दे दे, मेरा काम का है और तू ले जा। मछुआरे ने काटा है पेट को काटा, और जब ऐसा निकला तो वहां एक मौजूद थे एक वैद, मतलब हंटर। तो मछुआरे को पूछा तेरा तो कोई काम का नहीं है, ये तो तेरा किसी काम का नहीं है, मेरे को दे दे, ये मेरा काम का, तो ले जा, बोल के दे दिया। उन्होंने क्या किया, वो तीखा जो अंश है लोहे का टुकड़ा, उसको फिर से दोबारा वो लेके उसको एक फला बनाया, एक सार्प ऐसा बनाया, लागे तीरों का जो मुंह है इस मुंह में जोड़ लिया, जोड़ के इसको बनाया तीर धनु, ये तो हो गया। और ये जो है भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही मजाक है, जे जितना सारे एरका पैदा हुए प्रभास में,
जब ये लोग पहुंचे प्रभास में, प्रभास एक जगह है गुजरात में, प्रभास खंडो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का उपदेश लेकर तमाम यादव वंशी ऋषि यादव सारे के सारे बोले, महाराज बोले ये 7 दिन का अंदर पानी का अंदर चला जाए तो इससे बढ़कर ये है कि हम जब ध्यान करेंगे, हम दान दक्षिणा करेंगे, चलो उठा के ले चले सारे संपत्ति लेकर और घोड़े का गाड़ी लेकर प्रभास खंड में पहुंचे। प्रभास में जाकर समुन्द्र का किनारे सारे ऋषि मुनियों का झंडू भी पहुंच गया, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं वहाँ ये लोग भी चले जाते, और जाके बड़ा भंडारा हुई है, इसको उत्तम अन्न व्यंजन आदि कपड़ा और जेवर सारे दान की, और दान करने का बात क्या हुआ, भले बड़ा विदा दे दिए लोगों को, ऋषि मुनियों को, और इसका बात क्या, मोइरियो, मोइरियो नामक एक पानीय वस्तु है, एक सॉफ्ट ड्रिंक, इसको बोलता है अंग्रेजी में सॉफ्ट ड्रिंक, मोइरियो, ये नशा जैसा होता है, नशा बोलने से दारू पीने का इल्जाम लग जाएगा, नशा बोलने से ये दारू पीने का इल्जाम लग जाएगा, ऐसा बोलना उचित नहीं है, अपराध होगा। जैसे स्वर्ग में जैसे सोमरस मिलता है, इट इज वन काइंड ऑफ एंजॉयमेंट, एक इतना सरस वस्तु है, लिक्विड है, इसको सॉफ्ट ड्रिंक अमृत पीता है स्वर्ग में, सोमरस पीता है ये लोग, ऋषि मुनियों ने वेद पुराण में है सोमरस पीते थे। सोमरस का मतलब ये नहीं है कि ये दारू है, दारू बोलने से अपराध लगेगा, ये ऐसा है जिसके द्वारा एक जो इतना एक सुंदर फीलिंग होता है, अपने आपको खो बैठता है, ऐसा एक चार्मिंग, ऐसा एक चार्मिंग फीलिंग हो जाता है। तो जो भी चलो कोई बात नहीं, मोइरो मोइरो मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक, ये पान करके हर कोई का अंदर में जोग माया का इच्छा का अनुसार, भगवान का इच्छा तो सो जोग माया का इच्छा, भगवान का इच्छा का अनुसार जोगमाया का इच्छा का अनुसार तमाम वो जो सोमरस पान किए जदुवंशी सब, जैसा ये अपना याददाश्त खो बैठा है, अपना बैलेंस खो बैठा है, याददाश्त नहीं है कुछ, अरे आपस में लड़ना शुरू कर दिए, ये खो बैठा याददाश्त, जी ये मेरा भाई है, बंधु है, ये कुछ नहीं, लेकिन ये खो बैठा भगवान का जोग माया का इच्छा का अनुसार, इसके बाद लड़ाई करना शुरू कर दिए, ये भगवान का इच्छा ही है, भगवान का इच्छा के अनुसार, क्योंकि भगवान विचार करके देखा ये जदुवंशी को, भगवान ने विचार करके देखा ये जदुवंशियों को ये जगत के जगत से ले जाना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये जदुवंशियों को ये जड़ जगत से ले जाना जरूरी है, क्योंकि इसका ताकत इतना है, जड़ जगत का कोई ताकत नहीं है इसको दबा सके, ये अपने आप इसको, तो भगवान का ये अरेंजमेंट है जोगमाया का, ये प्रवास खंड में मयूरियो रस पान कर अपने में अपना याददाश्त खो बैठा, आपस में लड़ाई करना शुरू कर दी, और अंतिम में इतना लड़ाई लग गया कि एक दूसरे को काटा पीटी शुरू हो गया, एक दूसरे के साथ काटा पीटी शुरू हो गया, ऐसा काटा पीटी कि मत पूछो हैं। 2-10 दिन पहले हैं अमृतसर स्वर्ण मंदिर में खबर हुआ, ये काटा पीटी शुरू किया, ये जोग माया, ये महामाया का है, ये महामाया, एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया, कृपाण अपना जो सोड़ है, जो पंजाबी लोग जो है जो सोड़ है इसको निकाला, छोड़ निकाला कृपाण, एना के काटना शुरू कर दिया फटाफट एकदम, मारा हमारी ये सिख, ये लोग सिख है स्वर्ण मंदिर में खुद, भगवान ये जोगमाया का नहीं है, ये महामाया का है, याकिन मनु ये जोगमाया का नहीं है, ये महामाया का है, और ये जदुवंशी का जो सत्यानाश है एक दूसरे को मार रहा है, ये जोगमाया का है अरेंजमेंट,
ये भगवान श्री कृष्ण का जो खुद का महसूस है, बोला मेरे जो जदुवंशी है इसको ले जाने वाला तो कोई नहीं है, वो कैसे मरेगा, मर नहीं सकता, ये मेरा पार्षद है सब, तो इसको ऐसे ही ले जाएंगे, एक लीला रचा के ऐसा बहाना बनाएंगे, एक नाटक करेंगे, जैसे ये जदुवंशी जो है ये अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। जदुवंशियों का अंदर में ये सिद्धांत विचार है, कोई अगर ऐसा पूछे महाराज जदुवंशी तो नित्य पार्षद है, इसका तो गलती नहीं हो सकता, और जदुवंशी कहाँ जाए, जदुवंशी तो जो अपना भगवान का पार्षद है, शरीर छोड़ने का बाद तो द्वारिका में जाएगा, इसका तो शरीर अनित्य नहीं है, नित्य शरीर है। आ सिद्धांत विचार ये है, ये जो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का समय भगवान ने आदेश किए हैं, जे जितना सारे सुर स्त्रियाहा ये सब आ जाए मेरा लीलों को पुष्टि करने के लिए, स्वर्गों में जो उपेंद्र आदि अजीत उपेंद्र इनों का जो स्त्री है ये भी भगवान का लीला को पुष्टि करने के लिए बहाना बना के आ जाए, और उपेंद्र अजीत उपेंद्र ये सब नाम जो है भगवान देवता है, देवता मतलब देवता नहीं है, ध्यान से सुनना, ये लोग तो इच्छा करके देवता खानदान में पैदा हुआ। भगवान जब मछली बन के आता है ये मेरे को समझना नहीं चाहिए कि भगवान मछली है, हैं? भगवान जब मछली बन के आए उस समय ये सोचना ठीक नहीं है, भगवान जब मछली बन के आए उस समय पर ये सोचना ठीक नहीं है कि भगवान मछली है, भगवान मछली बन के आए ये समझना ठीक नहीं कि भगवान मछली है, भगवान मछली बन के आए, भगवान जब बराह रूप धारण करके आए ये समझना ठीक नहीं है कि भगवान बराह है पशुकुल में आए, ये भगवान का एक लीला है, भगवान इच्छा करके पशुकुल में बराह रूप में आए, नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आए, सिंह हाफ लायन हाफ, और फिर भगवान इच्छा करके बन के आए ऐसा मच्छर मछली बन के आए, तो ऐसा ही भगवान देवकुल में, भगवान देवकुल में भी देवता बन के आए, अजीत बामन आदि, असली बात तो ये देवता नहीं है, ये परदेवता है, लेकिन इच्छा करके ये बहाना बन के आए, तो ये लोग जो स्त्री है और जितना सारे मन्नंतर में जितना सारे भगवान का अवतार, भगवान का जो अवतार है, जितना सारे स्वर्गों में आविर्भाव हुआ, ये अपना अपना स्वरूप पकड़कर भगवान का लीला का पुष्टि करने के लिए आए। ये जदुवंशी जो है ये इसका जदुवंशी का अंदर में स्वर्ग का जो देवता इसका भी अंश है, और जदुवंशी का जो ओरिजिनल है, जैसे समझो जो ये जो आपका गांधिनी सुतो सफल को ये जो अक्रूर का एक स्वरूप है ऐसा, दूसरा स्वरूप है दोनों मिलकर, तो मेरा कहने का मतलब है ये जो जब एक दूसरे का साथ प्रवास खंड में एक दूसरे का साथ काटापीटी करके भगवान का इच्छा का अनुसार जब एक दूसरे को मार रहा है, और जदुवंशी पूरा नाश हो गया, थोड़ा बहुत बचा है जैसे बज्रनाभू है आदि, थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, बचा खुचा है, लेकिन ये जो भगवान श्री कृष्ण ने बताए, ये जो जब शरीर छोड़ने का टाइम पे स्वर्ग का जो अंश है ये स्वर्ग में चले जाए, और बाकी जो नित्य पार्षद है वो अपना जगह चले जाए, जैसे भीमसेन वायु का अवतार वायुदेव का कृपा से, आई बात समझ में, अश्विनी कुमारोद्वार कामदेव है, अश्विनी कुमारोद्वार का कृपा से नकुल सहदेव, भीमसेन वायु का अवतार, वायु का कृपा से कुंती देवी का कोख से पैदा हुई,
ऐसा करके युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है ना, ऐसा करके अपना अपना जो अंश है, इंद्र महाराज का अंश है अर्जुन, तो जैसे महाप्रस्थान का रास्ते में जाकर, महाप्रस्थानेर पथे इन बंगाली, महाप्रस्थान का रास्ते में जाते हुए सब अपना अपना शरीर छोड़कर कहाँ गया, अपना अपना जगह चला गया, कृष्ण कृष्ण के पास गया। ये द्वारिका पार्षद है, द्वारिका अंदर में भी, द्वारिका पार्षद का अंदर में गिनती कर दिया जाए, अर्जुन है, भीमसेन है, ये सब सो अपना अपना शरीर छोड़ के चले जाए, जो जहां से आया है उस जगह चले जाए। और सारा खानदान विनाश होने का बाद कुछ बचा खुचा है इधर उधर, वो उधर उस स्थान पे उपस्थित नहीं थे। तो बाद ये जैसे बजरंग मामा का घर गया था, अंकल का घर, वो बच गया, वो मरा नहीं भगवान की इच्छा के अनुसार। सो ऐसा ही है। और उद्धव का कुछ हुआ नहीं, उद्धव भगवान की इच्छा के अनुसार पर्यटन में निकल दूसरा जगह था, उद्धव मरा नहीं कि भगवान की इच्छा के अनुसार उद्धव मरा नहीं। तो ऐसा है, वहाँ सारे एक दूसरे का लड़ाई करके भगवान का इच्छा के अनुसार जोदू वंश जब ध्वंस हो गया, तो बचा खुचा जो है बज्रनाभ है, उद्धव है, सारे बचा खुचा है, ये बच गया। और उस टाइम पे क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जोग अपना जोग माया को आश्रय करके एक पीपल वृक्ष का नीचे बैठ गया, अपना पैरों पर पैर लगाकर अपना शशंसी मूले मतलब अश्वत्थ वृक्ष का नीचे थोड़ा बैठ गया। और बलदाव जी महाराज देखा जो कोई किसी को मानने वाला नहीं है, बलदाव जी महाराज को भी मारने गया। बलदाव जी महाराज इच्छा करके अपना जोग माया को आश्रय करके समुद्र का पानी में मिट समा गया, समझ नहीं पाया कोई, ये अनंत देव है ना, ये धीरे 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 बलदाव जी गया और किसी ने देखा नहीं बलदाव जी कहाँ गया। कृष्ण भगवान देखे कि कृष्ण भगवान ने देखे या हमारा इच्छा के अनुसार एक दूसरे को मार रहा है, सारे विनाशपत्त हो गया, ये जो जदुवंशी जो है सारे विनाशपत्त हो गया। इसका बाद भगवान श्री कृष्ण क्या की, एक शशंश मूल में अर्थात एक पेड़ का नीचे, अश्वत्थ वृक्ष का नीचे, एक अश्वत्थ वृक्ष का नीचे बैठ गया। और उद्धव जी महाराज रोते 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 पागल हो गया, यहाँ उद्धव जी महाराज रोते रोते पागल हो गया, हैरान हो गया, अब भगवान कहाँ है, ढूंढते 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 पागल होके अंतिम में देखे भगवान किसी अश्वत्थ वृक्ष का नीचे, एक पीपल वृक्ष का नीचे भगवान बैठा हुआ है। दौड़ दौड़ के आए और छलांग लगा के दंडवत की और रोना शुरू कर दिए, रोते रोते बोले भगवान। और उस समय उद्धव जी महाराज देखे, उस समय उद्धव जी महाराज देखे चार हाथ भगवान का, शंख चक्र गदा पद्म, और भगवान शिशंशी मूले मतलब एक पीपल वृक्ष का नीचे एक पैर का ऊपर दूसरा पैर लगाकर बैठे हुए हैं और पैर से खून बह रहे हैं। इच्छा करके भगवान का इच्छा है, भृगुमुनि का जो साप है ये जो शिकारी है, ये दूर से देखा ये एक पंछी बैठा हुआ है, लेकिन ये पंछी नहीं है, भगवान का चरण का लाल अंश है, भगवान का चरण कमल जो है लाल 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 इतना सुंदर है। आई चरण को दूर से देखा तो ये वैद्य ने देखा शायद कोई पक्षी हो, चलो कोई बात नहीं, एक तीर को चला दे, तीर को चलाया, ये तीर आकर भगवान का चरण कमल का जो है एक पैर का ऊपर दूसरा पैर उठा के चरण का अंदर जाके स्ट्राइक की, धक्का लगे और भगवान निर्विकार होकर बैठ गया।
और चरण से खून बहने लगे और उद्धव आए तो देखे भगवान के चरण से तीर लगा हुआ है। फिर भी भगवान निसंकोच होकर उद्धव जी को बताए, भगवान उद्धव जी रोना शुरू कर दिए। उद्धव जी बोले मेरा लगता है कि आप नहीं रहोगे। उद्धव जी महाराज ने खुल्लाम खुल्ला बोल दिया, ठाकुर जी हे प्रभु मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल नहीं रहोगे, इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन ये चले जाने का जो दृश्य है ये हम देखना नहीं चाहते, इसका पहले मेरे को ले जाओ, इसका पहले मेरे को ले जाओ, मैं देखना नहीं चाहता, मैं क्या करूं। बिल्कुल रोते रोते पागल हो गया उद्धव जी महाराज, क्या करे। भगवान से किसी ने मुस्कान दी, भगवान ने बोला हाँ तुमने सही सोचा, मेरे को जाना है, मेरा जो जिस कारण मैंने आया था ये समाप्त हो चुका, अंतिम जो है मेरा ड्यूटी कर्तव्य है, जदुकुल को मैंने लाए हैं इस जगत में और जदुकुल को नाश करने वाले कोई नहीं है, इसलिए जदुकुल को मैं क्या करूं, विनाश करके फिर विनाश कर दिए, उसका बाद भगवान जाने का तैयारी कर रहे हैं। ये सांप का बारे में याद है, सांप का बारे में जो अभिशाप है याद है, इसके द्वारा इतना सारे हंगामा हो गया, ये सांप किया उसका बाद ऐसा हुआ, सारे हंगामा मच गया। और परीक्षित का महाराज में, परीक्षित महाराज का बारे में हम ये कह नहीं सकता कि परीक्षित महाराज ने जानबूझकर गलती की। परीक्षित महाराज ने जोग माया का कृपा के अनुसार, आपको अगर विश्वास ना हो जाके पाठ करो, देखो इधर लिखा क्या है, जोग माया का इच्छा के अनुसार ऐसा हुआ, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी जो है ये अर्चन करते रहते हैं और भक्तों और भगवान में उतना विश्वास नहीं है, विलग्न है। क्या है, पहला है कनिष्ठ भक्तों का अधिकार, अर्चयामेव हरये य पूजाम सद्दयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतो श्रुतः। किसको प्राकृतो भक्त बोला जाता है, अभी चिन्मय अवस्था में नहीं पहुंचे, कौन है इसका उत्तर दिए, अर्चयामेव, अर्चया माने अर्चन विग्रह में थोड़ा श्रद्धा रखने वाले हैं, अर्चन विग्रह में थोड़ा श्रद्धा रखने, अर्चन विग्रह में थोड़ा श्रद्धा रखने वाले हैं, अर्चन विग्रह में थोड़ा श्रद्धा रखने वाले हैं, लेकिन भक्तों में उतना नहीं। अर्चयामेव हरये य पूजाम सद्दयेहते न तद भक्ति सुचान्येषु स भक्तः प्राकृतो श्रुतः। इसको प्राकृत भक्त बोला जाता है, कौन, भगवान का भक्तो, और दूसरा कोई किसी का बारे में को उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है जिसका, एक कनिष्ठ भक्त है। और मध्यम अधिकारी है, ईश्वरे तदिनेशु बालिशेषु दिशस्सु ज प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा ज करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी कौन है, मतलब ईश्वरे तदिनेशु, ईश्वर इसका जो अधीन है, अनुगत्य में है, ईश्वर का अधीन, ईश्वरे तदिनेशु, ईश्वर का अधीन, या तो ईश्वर का अधीन या तो ईश्वर का जो भक्त है इसके इनके अधीन, ईश्वरे तदिनेशु बालिशेषु दिशस्य, बालिश मैंने कुछ जानता नहीं, जिसका कोई ज्ञान नहीं, कर दिया अनजाने में, दिशस्सु और विदेश करके अगर किया है, ये तीनों ये चार जो व्याख्या है, ईश्वरे तदिनेशु, ईश्वर का बारे में क्या मध्यम अधिकारी का कंसेप्शन है, मध्यम अधिकारी का बारे में क्या कंसेप्शन है, भले ईश्वरे तदिनेशु बालिशेषु जिशस्सु च, ईश्वर 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 से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, और तदिनेशु भगवान के जो भक्त है इसमें मैत्री, मैत्री माने फ्रेंडशिप, और बालिशेषु कृपा, छोटा मोटा कृपा कर दिया कि वो बालिश अवस्था से थोड़ा बहुत निकल के
अप्राकृत जगत का आनंद ले लेंगे, तैयार हो रहा है। ईश्वरे तदिनेशु बालिशेषु दिशसु जो प्रेम करता है भगवान के साथ, मैत्री फ्रेंडशिप बताता है भक्त भगवान का भक्तों से, कृपा करता है बालिशेषु, उसका कोई ज्ञान नहीं है, अन्याय कर दिया बालिशेषु, कृपा कर दिया, और इच्छित या और क्या करे, उपेक्षा करे, किसको, जो भगवान और भगवान का भक्त से विरूप है, जो भगवान और भगवान भगवान के जो भक्त है, ये दिनेश भगवान और भगवान का भक्त जो है, दोनों इसे ये लगन नहीं, इसका कोई अटेंशन नहीं है, उपेक्षा करते हैं भगवान को और भगवान का भक्त को। सो इसलिए बताएं, ईश्वरे तदो दिनेशु बलिशे जो दिशत्सु च, दिशत्सु मन जो विदेश करते रहते हैं, इन चारों का पति रेस्पेक्टिवली प्रेम दिखाना है, ईश्वरे मैत्री दिखाना है भगवत भक्तों के साथ, बालिश को जो कुछ जानकारी है नहीं, जिसको कृप उपेक्षा उपेक्षा करो, फॉलो, जो करता है इसका नाम है मध्यम अधिकारी। हमने विचार बना के दिखाया बहुत पहले, जब मध्यम अधिकारी छोड़कर, मध्यम अधिकारी का कृपा छोड़कर किसी का अंदर में ये जो प्रेम है, ये भजन है, ये सब आ नहीं सके। ईश्वरे तदिनेशु बालिशेषु दिशसु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम, जो प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, चारों किसी का चार चार किसी का भाव आ जाए, वो इसका लिए मंगलदायक है। और उत्तम अधिकारी के बारे में, जिस बारे में हमने बताया था ओरिजिनल टॉपिक्स में, और चर्चा हो पाएगा थोड़ा देर बाद, जब परीक्षित महाराज का बारे में बताए ये सब व्याख्या है। आप परीक्षित महाराज का बारे में भागवत में लिखा हुआ है, यीशु महाभागवत उत्तम, महाभागवत माने उत्तम अधिकारी, महाभागवत माने उत्तम अधिकारी, महाभागवत का माने हैं उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी जो है, ये तो सर्वभूतेषु जो पश्येत, सर्वभूत में सर्वभूतेषु यो पश्येत पश्येत भाव आत्मनः, सर्वभूत में अपना इष्टदेव का दर्शन करे, सर्वभूत में अपना इष्टदेव का दर्शन करे, तो इसका लिए महाभागवत है। सर्वभूतेषु यः पश्येत भाव आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवतोत्तमः। भगवतोत्तम किसको बोला जाता है, सर्वभूत में जो अपना इष्टदेव को दर्शन करते रहते हैं, जिसका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हो नहीं सकता, सर्वभूतेषु यः पश्येद् भावमात्मनः भूतानि भगवत भूतानि भगवत्वात्मनेश भगवतोत्तमः भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवत भगवतोत्तमः। ऐसा बोल क्या लिखा है, सर्वभूतेषु जो पश्येद् भगवत भावात्मनः, सर्वभूत में जो भगवत दर्शन होते रहते हैं, जिसका किसी दूजा दर्शन नहीं है, अद्वै सब सर्वभूतेषु जो पश्येद् भाव आत्मनः, सर्वभूतों में से परम वस्तु का अनुभव करना, हर वस्तु में निजा फीलिंग, उसका इतना कष्ट है, मेरा भी हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। सर्वभूतेषु जो पश्येद् भगवत भाव ना, सर्वभूतेषु जो पश्येद् भाव आत्मनः, अपना बारे में सोचता है सब जीवों का अंदर में, भूतानि भगवत आत्मनि एषो भगवतोत्तमः, इसको भगवत, इसको बोला गया, इसका बारे में बोला गया जे भगवतोत्तम है, उत्तम भक्त है, सब सर्वभूत में जो पश्यत अपना भाव, और भूतानि भगवती जिन्हें अखिल वस्तु में सर्वभूत में
सर्वभूत का नियंत्री रूप में अधिष्ठाति परमात्मा स्वयं भगवान का विभूति दर्शन करते रहते हैं और भगवान हरि का अंदर में सर्वभूत का दर्शन करते रहते हैं। ऐसा जो जिसका दर्शन है उत्तम भागवत। सर्वभूतेषु जो पश्येत भगवत भाव आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवतोत्तम। इसको भगवतम भगवतोत्तम बोला जाता है। ऐसा उत्तम भक्तों, अभी देखो ये उत्तम मध्यम और अधम। उत्तम भक्तों, मध्यम भक्तों, अधम भक्तों, इसका बारे में जैसे राय रामानंद के साथ महाप्रभु का चर्चा हुई, राय महाशय जी ने बताया आप ठीक सही ढंग से बताओ आप कौन हो। राय रामानंद जी महाप्रभु को पूछे, महाप्रभु बताए आप महाभागवत हो, हर वस्तु का अंदर में भगवान का इष्टदेव का दर्शन करते, इसीलिए आपके लिए सब। अरे झूठ ऐसा मत बोलो ठाकुर, ऐसा मत बोलो प्रभु, क्या बताओ आप कौन हो। बाद में बताएं मैं रसराज महाभाव मैं ही हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही गौरांग हूँ, इसका बारे में। सो आप सोचो तो परीक्षित का बारे में यह हम कह नहीं सकता तो परीक्षित महाराज मेटेरियल आदमी है। परीक्षित महाराज के बारे में बताए यशो महाभागवत, मैंने किसी भी हालत से इसको दुश्मनी समझना उल्टा समझना संभव नहीं। चाय पानी दिया नहीं, ठीक है पानी दिया नहीं, पानी दिया नहीं तो क्या हुआ, उसको दुश्मन समझे क्या। रंती देव ने क्या किया, जर भारत जी ने क्या किया, दुश्मन देखा किसी को, दुश्मन देखा नहीं, जो भी हो गया। तो बहुत सारे जुक्ति है इसमें। सो परीक्षित महाराज को हम कह नहीं सकता कि ये मेटेरियल है, ये महाभागवत है। और ये जो जदुवंशी है इसको भी हम कह नहीं सकता ये मेटेरियल है, सांप मिल गया, अभिशाप मिल गया तो खत्म हो गया महाराज, ऐसा बोलना भी उचित नहीं। जोग माया का अरेंजमेंट है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण का इच्छा, भगवान श्री कृष्ण का अंतिम इच्छा उद्धव जी को इस जगत में ये जो उपदेश है भगवत तत्व विज्ञान का जो उपदेश है, ये भगवत तत्व विज्ञान का उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण का विचार है, अगर ये भगवत तत्व विज्ञान को हम उद्धव का हृदय में रख के जाए तो दुनिया के लिए एक समाधान हो सकता। हम अगर दुनिया में उद्धव जी को रख के जाए तो एक समाधान हो सकता। और उद्धव जी समझ गया, उद्धव जी बोले प्रभु हमारा लगता है कि आप जाने का तैयारी कर रहे हो, लेकिन मेरे को छोड़ के नहीं जाना, मैं आपको छोड़ के रह नहीं सकता, मैं मर जाऊं किसी भी हालत से मेरे को, ऐसा प्रस्तुति हो रहा है। काल से तो ऐसा अच्छा चर्चा हो जाएगा। अभी उद्धव जी महाराज बोल रहे हैं श्री उद्धव वाचो। जब ऐसा देखा, सुखदेव जी महाराज पहले कह रहे हैं, उद्धव का पहले सुखदेव जी महाराज कह रहे एवं भगवता दिष्टा यादवः कुरुनंदन गंतुम कृतो धियो तीर्थम सानंदानो समोजूजनो तन निरीक्षो धवो राजन श्रुत्या भगवतोदितम दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णम अनुव्रतम नित्यम कृष्णम अनुव्रतम। जो हर वक्त एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कृष्णों का अनुगमन करते हैं, कृष्णों का पीछे पीछे चलने वाले उद्धव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं एवं भगवता दिष्टो, कहने भगवान क्या बताया ये भी कह दे, ये उचित है। भगवान कह दे क्या बताया, जो सांप आया विप्रो सांप को खंडन करना भगवान के लिए बड़ा बात नहीं है। विप्रो सांप ब्राह्मण वैष्णव का ऋषि मुनियों का जो सांप है, इसको इसका समाधान निकालना भगवान के लिए बड़ा बात नहीं है। लेकिन
भगवान ये कर नहीं सके। भगवान बोले सब अपना अपना कर्मफल को भोगे, ऐसा उचित नहीं है। अपना अपना कर्मफल को भोगना ही ठीक है, भगवान कर सकते। भगवान जो साप मिला जदुवंशी को, ये भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान इसको काट सकते हैं साप को, लेकिन किया नहीं। यहां बता रहे हैं जो जल्दी जाओ, जल्दी एक काम करो, जल्दी जाओ जाके प्रवास क्षेत्र में दान दक्षिणा आदि जग जग ये सब करो, क्योंकि इस द्वारका धाम में रहना कोई उचित नहीं। क्यों? द्वारका धाम रहते रहते दो तीन दिन का अंदर द्वारका धाम पानी का तले में नीचे में चले जाएगा, रहेगा नहीं। और इसीलिए तुमको जाना है, जल्दी छोड़कर जाओ। श्री शुकवाचो एवं भगवता दिष्टा यादव कुरु नंदन गंतुम कृतोधियो स्तीर्थम सानंदानु समुजुजनु। सुखदेव के समय कह रहे हैं एवं भगवता दिष्टा, भगवान ऐसे आदेश करने का साथ साथ क्या हुआ, भगवान जब ऐसा आदेश किए यहाँ रहना न वस्तव्यम अत्रो, यहाँ रहना ठीक नहीं, चलो जल्दी चलो प्रवास करने में चले जाओ, वहाँ जाग जोग ऋषि मुनि हम लोग करेंगे, चलो। तो ऐसा उपदेश सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं भगवता दिष्टा यादव कुरु नंदनो गंतुम कृतोधियो तीर्थम सानंदानु समुजुजन। क्या क्या? एवं भगवता दिष्टा, भगवान का आदेश का अनुसार जादवहा जादवगण कुरुनंदन, हे परीक्षित महाराज कुरुनंदन, ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। गंतुम कृतोधियो, जाने का मतलब बना लिया, गंतुम कृतोधियो तीर्थम, ये तीर्थ प्रवास तीर्थ के जाने का तैयारी कर रहा है। दान दक्षिणा जाग जोगे से कहने का करने का आदेश मिला भगवान से, जाने के लिए तैयारी बना रहे। एवं भगवता दिष्टा यादवा गुरु नंदनो गंतुम कृतोधियो तीर्थम सानंदानो समो जुजोन। दे इमीडिएटली स्टार्टेड कनेक्टिंग दिस हॉर्स कार विथ हॉर्स। तन निरीक्षो उद्धवो राजन श्रुत्या भगवतोदितम दृष्टा अरिष्टानि घोराणि नित्यम कृष्ण मनोव्रतः। नित्य कृष्ण मनोव्रतः, नित्य काल जो कृष्ण का पीछे पीछे जाने वाले, अनुव्रत मतलब उसका जो आचार आदर्श है इसी को पालन करें। अनुव्रत, अनु मतलब भगवान, अनु मतलब पीछे पीछे कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप। अनुव्रत भगवान श्री कृष्ण का जो मार्ग है, जिस रास्ता में चलते हैं उद्धव जी महाराज 100% भगवान का दिखाया हुआ रास्ते में चलते हैं। इसीलिए सुखदेव उस समय कह रहे हैं एवं भगवता दिष्टा यादव कुरु नंदनो गंतुम कृतोधियो तीर्थम सानंदानो समोजुजोनो। आर दे स्टार्टेड टेकिंग प्रिपरेशन विथ चैरियट कनेक्टिंग विथ हॉर्स एवरीथिंग। ऑल जादुवंशी दे आर नाउ गोइंग टू नाउ जदुवंशी एवं भगवता दिष्टा यादवः कुरुनंदनो गंतुम कृतोधियो तीर्थम सानंदो समोजुजन। दे आर गोइंग टू कनेक्ट ए जो रथ का साथ घोड़ा का लगाम लगा दिया, फिर आगे चलो। ये देखकर तन निरीक्षो उद्धव, तन निरीक्षो उद्धवो राजन श्रुत्या भगवतोदितम दृष्टारिष्टानि घोराणि नित्यम कृष्ण मनोव्रतः। ऐसा देख के
भगवान का आदेश का अनुसार सारे जदुवंशी सब तैयारी कर रहे जाने का, और भगवान का क्या आदेश है जे 3 दिन का अंदर ये सब पानी पानी हो जाएगा, आप सब प्रवास है ना, भगवान भगवान ने क्या बोला ये भी सुना दे। भले नौ वास्तव्यम यहाँ अस्मारीर जिजिबीशु भीर आर्जो का, हे आर्जोवंशी आप लोगों को इधर रहना ठीक नहीं है। नौ वास्तव्यम यहाँ अस्मारी अस्माभी हम लोग इधर रहे ये उचित नहीं है। नौ वास्तव्यम मिहा अस्माभीर जिजिबीशु भीर आर्जो का, हे आर्जो का जो लोग जीना चाहता है वो लोग के लिए मतलब हम लोगों का उचित है इस जगह छोड़ के चले जाए। कहाँ प्रवासम प्रवासम सुमहत पुण्यम जश्याम अद्वैवमाचिरम टुडे आज ही चले जाए, आज ही प्रवास करने में चले जाए। प्रवासम सुमहत पुण्यम जश्याम महो अद्वैव जश्याम अद्वैव जश्यामो प्लूरल नंबर वी ऑल कैन गो अवे इमीडिएटली, हम लोग चले जाएंगे। कहाँ बोले जल्दी चले जाओ हम भी चलेंगे। प्रवासम सुमहत पुण्यम जश्यामो अद्वैव माचिरम टूडे कैन गो नो डिले। क्यों क्या करोगे वह बोले भगवान बोले तत्रो स्नात्या दक्षो शावत यत्रो स्नात्या दक्षो शापत गृहीतो जक्षोन उरुराड विमुक्त किलविषात शब्दो भेजे भूयो कालोदयम। क्या बोला पहले प्रवास करने में चलो पुण्य तीर्थ है जहां किया क्या हुआ भले जो लोग जीना चाहते हैं चलो जल्दी। दक्ष शाप के द्वारा चंद्रमा चंद्रो महाराज चंद्रो का जैसे सांप लगा था दक्षो प्रजापति ने सांप दिया था और ये चंद्रो इस तीर्थ में आकर व्रत आचरण किए और अंतिम में ये बीमारी से छुटकारा मिले और चले गए। इसीलिए बोल रहा है नौ वास्तव्यम यह अस्माभिर जिजीवी शुभीर अर्ज कहा प्रवासम सुमहत पुण्यम जस्याम अद्वैवमाचिरम टुडे नाउ वी कैन गो अवे यत्रो स्नात्या दक्षो शापात गृहीतो जक्षो नो उरुराड विमुक्तो किल्विषात् शद्दो भेजे भूयो कलोदयम। उसका कला का नाश हुआ था चंद्रमा का कला खाई हुआ ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी रोग ये जक्खा रोग हुआ इससे बीमारी से हट गया ऐसे जीते। और ऐसा है भगवान कह रहे हैं इस तीर्थों में आकर चंद्रमा महाराज चंद्रमा अपना सांप से मुक्ति मिला। कहने का मतलब है हमारा भी सांप मिला है जो चलो क्यों ना हम भी चले जाए प्रवास क्षेत्र में जाके दान दक्षिणा करे अर्चन आदि करे। तेषु दानानि पत्रेषु शुद्रयुक्ता महांति वै ब्रिजिनानि तरिष्यामो दानैर नौरिभार्णवम्। जैसे एक किस्ती भगवान कह रहे हैं जैसे एक किस्ती का सहारा ले ले जैसे एक किस्ती एक बोट एक किस्ती एक स्टीमर एक जहाज है इसका सहारे पे हम इतना पानी जो समुंदर का पानी पार करके चले जाते हैं तो ऐसा ही वहां जाके हम लोग क्या करेंगे बच्चे तेषु दानानी पत्रेषु श्रद्धयोक्ता महंति बोई आप वहां जाके दान दक्षिणा करेंगे अर्चन करेंगे यज्ञ आदि करेंगे इसमें क्या हो ना इसके द्वारा ब्रिजिनानी तरिष ब्रिजिनानी मतलब कष्ट हमारा ऊपर जो सांप आया है ना हमारा ऊपर जो सांप आया हुआ है तो ये
ब्रिजिनानी त्वरी श्वामो, हम लोग ये जो सांप आया है हमारा जीवन जिंदगी पूरा खानदान का ऊपर जदुवंशु का ऊपर, ये सब पार करके हम चले जाएंगे। क्या करेंगे मैंने अभी चले जाएंगे, यत्रो स्नात्या दक्ष शापात गृहीतो दक्षिणो रुड़ाड विमुक्तो किल विषात सद्दो भेजे भूयो कलोदयम वयंच तस्मिन् अप्लुतो तर्पयित्वा पितृन सुराणो। सो हम लोग तिलांजलि करेंगे, अंजलि देंगे, तर्पण करेंगे, हैं ऐसा करके क्या करेंगे, वयंचु वयम वयम च हम लोग भी वयम च तस्मिन् नाप्लुप्तो तर्पयित्वा उस पवित्र तीर्थ में हम नहाएंगे, उसका बाद तर्पण आदि करेंगे पितृ पितृपुरुष देवगणों का उद्देश्य में। वयम च तस्मिन् नाप्लुप्तो तर्पयित्वा पितृन सुराणो भोजयित्तो भोजयित्तो जितो विप्राणो नाना गुणो बतांधशा। हम लोग ये जो पुण्य काम करेंगे ये ब्रिजिनानी तरी श्यामो, ये इतना कष्ट से हम लोग निकल जाएंगे। वयंचो तस्मिन्नाप्लुतो तर्पयित्वा पितृणो सुराणो भोजयित् भोजयित्तो जीतो विप्राणो नाना गुणो बतांधशा। तेषु दानानि पत्रेषु श्रद्धयुक्ता महांति वै ब्रिजिनानि तरिष्वामो दानवैर नौ रीवार्णवम। जैसे एक किश्ती का सहारे पे समुन्द्र पार करके जा सकता है, ऐसा व्रत आचरण हम करेंगे प्रवासित्व में, हम जाके ये अमंगल को दूर हटाएंगे, हम लोग अमंगल को दूर हटाएंगे, चलो हम चलते। ऐसा सुनकर उद्धिवान विचक्षण उद्धव जी इतना बुद्धिमान है, इतना विचक्षण है, इतना सुपर इंटेलिजेंट है, सुनने का साथ साथ समझ गया इस पे कोई इशारा है। उद्धव सुनने का साथ साथ उसको समझ गया भगवान ऐसा क्यों कर रहे, ये जो सांप आया है जदुवंशी का, इसका बारे में भगवान का जो अभी का निर्णय है, भगवान का जो अभी का निर्णय है, इसमें जरूर कुछ रहस्य छुपा हुआ है, उद्धव समझ गया। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एवं भगवता दिष्टा यादवः कुरुनंदन गंतुम कृतो धियो तीर्थम सनंदानो समनु समोजुजन। इसका बाद निर्णय ले लिया और भगवत भगवान का आदेश समझकर वो लोग अपना अपना तैयारी में लगे हैं। अतन निरीक्षो आफ्टर वॉचिंग, एक ऐसा अवस्था उद्धव जी देख रहे हैं, तैयारी हो रहा है ना, सारे जदुवंशी तैयारी हो रहा है। उद्धव ने सोचा ये क्या बात है, तन निरीक्षो उद्धवो राजन श्रुत्या भगवतो दितम। भगवान जो आदेश किए हैं जदुवंशी को और जो देख रहे हैं, ये सब मिलाकर कुल मिलाकर उद्धव जी महाराज समझ गया, उद्धव जी महाराज समझ गया। तन निरीक्षो उद्धवो, ये सब देखने का साथ साथ उद्धव समझ गया। तन निरीक्षो उद्धवो राजन, हे राजन उद्धव पहले से समझ गया, श्रुत्या भगवतो दिदम और दृष्टा अरिष्टानी घोराणी नित्यम कृष्ण अनुव्रत। जो कृष्ण का अनुव्रत, हर वक्त कृष्ण का जो व्रतो अनुशीलन करने वाले, कृष्ण का पीछे पीछे रहने वाले, इन टोटो ए उद्धव जी महाराज ये सब जो तैयारी देखकर और भगवान का उपदेश सुनकर और चारों ओर से अमंगल छा रहा है, द्वारिका धाम में चारों ओर से अमंगल ही अमंगल दिखाई पड़ रहा है, ऐसा देखकर चारों ओर से अमंगल देख रहा है, चारों ओर से अमंगल दिख रहा है। तो इस समय
तन्निरीक्ष उद्धव राजन श्रुत्या भगवतोदितम दृष्टारिष्टानि घोरानि नित्यम कृष्ण अनुव्रतः। ये कृष्ण अनुव्रत करने वाले ये उद्धव जी महाराज क्या किए, विविक्तो उपसंगम जगताम ईश्वरेश्वरम प्रणम शिरसा पादो प्रांजलि स्तम अभासत। क्या बोल रहे, विविक्तो उपसंगम जगताम ईश्वरेश्वर, इस जगत का जो ईश्वर है, जगत का जितना सारे ईश्वर है, इन लोगों का ईश्वर है, ईश्वरस्य ईश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कर्ण। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तन तन निरीक्षो दबो राजन सुत्ता भगवतोदितम दृष्टारिष्टानि घोरानि नित्यम कृष्ण मनोव्रतम। क्या बोल रहा है, देख रहा है सारे उस अमंगल छा रहा है। इस समय उद्धव देख रहा है भगवान किसी सन्नाटा जगह में चला गया। विविक्तो उपसंगम जगताम ईश्वरेश्वरम प्रणम शिरसा पादो प्रांजलि स्तम अभाषत। भगवान किसी निर्जन स्थान में चला गया। उद्धव ढूंढते 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 पागल हो गया। अंत में देखा दूर में भगवान शिशंशी मूले उपवेशन करके बैठा हुआ है। उपवेशन में न बैठा भगवान बैठा हुआ है, दूर से देखा। अब बच्चा का मापिक दौड़ के गया, अलग एकदम छलांग लगा कर चरण में पड़ा, चरण में पड़ गया। भगवान विविक्तो मतलब निर्जन स्थान में, विविक्तो उपसंगम जगताम ईश्वरेश्वरम भगवान के पास पहुंचे छलांग लगाकर। आ जाने का प्रणाम की चरण में, साष्टांग दंडवत प्रणाम, प्रणम शिरसा पादो प्राजलि रभासत, हार्ट ट्रचिंग, हृदय को आलरण करने वाले, हृदय को एकदम एकदम रिएक्शन कराने वाले, इतना इमोशनल स्पीच उद्धव जी ने बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला, बोले प्रणम शिरसा पादो, चरण कमल में अपना सर को रखा, प्रांजलि रवा, प्राण से, हार्ट, हृदय से, मानो कि लगता है मेरा शरीर दंडवत नहीं कर रहा है, मेरा तन मन धन लगाकर दंडवत हो रहा है। जैसा सारे है ना, सारे दंडवत कर ले, और इमोशनल स्पीच, ऐसा रिएक्शन हो रहा है उद्धव जी के हृदय में कि मत पूछो। इसको सहन करना बड़ा भारी मुश्किल है, ये संभव नहीं। विविक्तो उपसंगम जगदी जगताम ईश्वरेश्वरम प्रणम शिरसा पादो प्रांजलि स्तम अभाषत। तम अभाषत, उद्धव जी कृष्ण को बोले, उद्धव जी कृष्ण को बोलना शुरू कर। ये हिस्टोरिकल प्रेजेंट बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली हो गया पहले। विविक्तो उपसंगम जगताम ईश्वरेश्वरम प्रणम शिरसा पादो प्रांजलि स्तम अवाशत। प्रांजलि है ना, कृतांजलि, प्रांजलि, हृदय से चरण में शरणगत हो, शरणागत हो भक्तो। उद्धव जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान का साथ रोना धोना शुरू कर, इमोशनल स्पीच। ये इमोशनल स्पीच जो है ये अप्राकृत, इसको समझना जरूरी है। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं देव देवेशो जोगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संहृत्वै तत्कूलं नूनं लोकं संत्यक्षति भवान विप्रसापं समर्थयोपि प्रत्यहंस जगदीश्वर। उद्धव जी महाराज बड़ा भारी हृदय लेकर एकदम टूट पड़ा। उद्धव जी महाराज के हृदय बिल्कुल टूट गया, ये भगवान लगता है कि चले जाएंगे जगत छोड़ के,
और रोते 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 बच्चा का मां भी रोते तो गिर गया और बोलना शुरू किया। उद्धव वाच देव देवेशो जुगेशो पुण्य श्रवण कीर्तन संहृत्वै तत्कुलम नूनम लोकम संतक्षति भवान। आई थिंक हमको लगता है कि आप जगत छोड़ के जाने का तैयारी कर रहे हो। ठाकुर जी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्राण, मेरे को यह लगता है कि ये जगत छोड़ के जाने का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं यू कैन काट द कार्ड्स ऑफ दोस ब्राह्मण वैष्णव ऋषि मुनि। ऋषि मुनियों का, ब्राह्मण वैष्णव का, विप्रो का सांप काटने में यद्यपि तुम समर्थ हो, फिर भी आप चाहते नहीं हो। इसको एक बहाना बना के आप जदुवंशियों को और आप खुद भी जाने का तैयारी कर रहे हो। विप्रसापम, उद्धव जी कर रहे हैं, विप्रसापम समर्थोपि। अरे विप्रसाप क्या है, आप ही तो सब कुछ हो, आप ही तो सब कुछ हो, सब कुछ का मूल तो आप ही हो, आप इच्छा करो तो कर सकता, ऐसा बात भगवान ने कही। कहा वो जहां जय विजय का प्रसंग आता है ना, जब चतुसन ने बताया ठाकुर जी हमने गलती किया, उसको साप दिया, बोले ना 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 ना, हमारा इच्छा से सब अच्छा। हाँ, जय विजय को कंसोलेशंस, जन जी जय विजय को थोड़ा मनाया, बोले जय आप चिंता मत करो, मेरा इच्छा का अनुसार ही ये साफ हुआ, आप मान लो, अब चलो आपका मंगल होना ही है, चलो। इसी बात का साथ आज का हरि कथा विश्राम देना जरूरी है, क्योंकि समय नहीं है, क्या करूं। श्री उद्धव वाचो देव देवेश जोगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संहृत्वै तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्षति भवान। विप्रसापम समर्थयोपि प्रत्यहन्न जगदीश्वरः। फलो, ठीक है ना, यहां तक आज रहे और काल चर्चा करे कैसे उद्धव जी पागल का माफिक रो रहा है, मैं किसी भी हालत से जी नहीं सकूं। नाहम तवांग्री कमलम खनार्ध मोपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथो नाथो सधाम नयो माम ओपी। ए पेनफुल एप्लीकेशन, ये जो पेनफुल एप्लीकेशन उद्धव जी महाराज का, ये काल हम चर्चा करेंगे, काल हम चर्चा करेंगे। आज यहाँ तक विश्राम नहीं। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।